वल्लाही इवन वेस्ट में भी जो बंदे कंसर्न है ना वो अपनी बेटियों को अकेले प्रोफेसर्स के रूम में नहीं भेजते. इफ अ पर्सन इज बीइंग नाइस टू यू, इफ ही इज टेकिंग यू आउट फॉर अ डिनर, इफ ही इज टेकिंग, इफ ही इज गिविंग यू अ परफ्यूम और अ गुची बैग और समथिंग, ही वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. देर इज नो सच थिंग एज अ फ्री कप ऑफ कॉफी. आजकल के दौर में यूनिवर्सिटी में कजन कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको दे रहा है, हम ये नहीं कहते कि सबकी इंटेंशन सब जो है, लेकिन वल्लाही वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. मतलब हम वल्लाही या तो हम बहुत वीक और नाइव बन जाएं और उस ऑस्ट्रिच की तरह बन जाएं जो अपने शिकार को देख के ना अपने आंखें मुंह रेत में डाल देती है, कहें कि देयर इज नो डेंजर, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. ऐसी बात नहीं है. असल में आपने जो नाइविटी की बात की ना, सैडली हमारी जो सिस्टर्स हैं वो इस मामले में ना, जो हमारा मीडिया जिस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया है ना, वो बेचारी एक्चुअली नुकसान भी उनका ही होता है, ज्यादा उठाती है और वो इस नाइविटी के चक्कर में मारी जाती है. ये जो आपने कहा ना छोटे से गिफ्ट्स के लिए, एक दो डेट्स के लिए, खाने के लिए चक्कर में, इसमें वो बेचारी मारी जाती है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां. और इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि ये जितनी भी हम बात करें ना, जो यंग लड़के लड़कियाँ जो शादी से पहले जो है कल्चर, ये जो जो कुछ भी करते हैं हरकतें, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे घूमना फिरना, चाहे पार्टी, व्हाटएवर, ये कहाँ से ले रहे हैं? ये लोग वेस्ट से ले रहे हैं, ठीक है, या हॉलीवुड. मुझे कभी कभार सोचता हूँ कि यार किस हमारी इंसान है, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इतने हम वीक हैं कि जो हम बाहर दूसरा देख रहे हैं, अच्छा चलो उसको कॉपी करो अपनी. अब हमने ये जो ब्राइडल शावर, फलाना बेबी शावर, ये चीज़ें शुरू, ये कहाँ से शुरू कर, उनको ही देख के शुरू की. क्या हमें यकीन है कि हमारा रब अल्लाह है? क्या अगर मुझे यकीन हो कि जी मैं, चाहे शादी का इशू है फॉर एग्जांपल, या शादी मेरी कैसी होगी, मेरी नौकरी, जॉब, मुझे पैसा, मुझे कहाँ से आएगा, अगर अल्लाह पे यकीन है तो ये आपकी सारी मुश्किलात हल होती रहेंगी. वल्लाही क्यों, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया और बार बार ये आयात रिपीट की जाती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करता है, आप जितनी मर्जी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, आप बदसूरत हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप छोटे हैं, लंबे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए एग्जिट निकालेगा ही निकालेगा. और यानी वयरज़ुकु मिन हैथु ला यहतसिब, और यहाँ पे रिस्क सिर्फ आपको पैसा नहीं है, हर किस्म का रिस्क आपको दिया जाएगा. आपको सेहत रिस्क है, सही माल रिस्क है, यकीन करें. आपने फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि आप जब तक अपना वो हराम रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी अच्छी शादी, आपको अच्छा पेयर नहीं मिलेगा, नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. एक तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अपनी अपने औलाद को, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, अगर बेटा है तो उसको अल्लाह का तकवा उसमें डेवलप करें, उसको बताएं कि तुमने अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तुमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना. बेटी है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कि यू डोंट हैव टू सिट इन अ कार विद अ जेंटलमैन, और जेंटलमैन तो वो सामने से नज़र आ रहा है वो अंदर से कैसा है, ठीक है. यू डोंट हैव टू बी अलोन विद अ बॉय, चाहे वो जितना मर्जी पोलाइट और नाइस हो और जितना भी अच्छा हो. यू डोंट हैव टू गो टू, चाहे आपका टीचर है, प्रोफेसर है, आपने अकेले नहीं जाना, दो तीन दोस्तों को अपने साथ लेके जाना. इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, आपको जो चीज़ चाहिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे. आप ये अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें. सो इंशाल्लाह व्हाट आर यू टेलिंग पीपल, यू टेलिंग पीपल टू एंड द हराम रिलेशनशिप और डिसाइड कर लेंगे शादी कैसे करनी है अभी से, सोच लें, यू नो. यस, बिल्कुल बिल्कुल. एंड हराम रिलेशनशिप, बिकम अ बेटर पर्सन. शादी किस इंसान से करनी है, कैसे करनी है, ऑलवेज मेक प्रायोरिटी के दीनदार से करें. क्योंकि जो शख्स दीनदार है, जिसको अल्लाह का खौफ है, वही प्राइवेट में अच्छा इंसान है, बाकी और कोई नहीं है. क्योंकि जो कैरेक्टर है ना, वो प्राइवेसी की खूबसूरती का नाम है. और जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है, वो पब्लिक की जो अच्छे बर्ताव का नाम है. तो बिहेवियर का ताल्लुक पब्लिक एटीट्यूड से है और कैरेक्टर का ताल्लुक प्राइवेसी की खूबसूरती से है. सो उसको चूज करें अपने लिए, शादी के लिए, जिसका जो अल्लाह से डरता है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है.